14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। भारत सरकार ने जहां पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीन लिया, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की कोशिशें कामयाब रही हैं। भारत द्वारा एयर स्ट्राइक करने के दूसरे दिन ही भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर प्लेन मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत का MiG-21 फाइटर प्लेन भी इस ऑपरेशन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भारत के सख्त तेवर से झुकने को मजबूर पाकिस्तान ने भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान किया था। इससे पहले भारत ने दो टूक कह दिया था कि उसे अपने पायलट की रिहाई से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पाकिस्तान संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हमारे सेना की हिरासत में है। उन्होंने कहा कि शांति की पहल के तौर पर शुक्रवार को अभिनंदन को भारत भेज दिया जाएगा। उनके इस फैसले का पाक सांसदों ने मेजे थपथपाकर स्वागत किया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हिंदुस्तान को वापस। हालांकि जिनेवा संधि के मुताबिक ये बात साफ थी कि पाकिस्तान सरकार विंग कमांडर अभिनंदन को कुछ नहीं कर सकती और ना चाहते हुए भी 7 दिन के भीतर उसे भारतीय पायलट को छोड़ना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाती और भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आजाद होता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने समझदारी दिखाते हुए भले ही भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया हो, लेकिन भारत अभी भी पुलवामा हमले को नहीं भूला है। खुद प्रधानमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि भारत आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कानपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये मत समझिएगा कि विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के बाद मामला रफा दफा हो गया। हरदीप सिंह पुरी ने इशारों में साफ कर दिया कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और मोदी सरकार पुलवामा हमले के गुनहगारों को बख्शने के मूड में नहीं है। मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था पहले दिन से अगर आप टेररिज्म करेंगे तो उसमें बातचीत का कोई स्कोप नहीं है। और मेरे को लगता है और अभी भी लगा डीएस्केलेशन हो जाएगी, कुछ नहीं, वो विंग कमांडर आ गया है, जब तक टेरर होगा कोई डीएस्केलेशन नहीं होगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप बस इंतजार करो, समय आने पर हम ठीक सबूत देंगे जैसे देते आए हैं। तो निर्मला जी ने कहा ना, मैं आपको बताया, आप नहीं आए थे अभी। हाँ, देखिए आप थोड़े लेट आए हैं, यही चीज मैंने कही थी, यही आपके आने से ये फायदा हो गया कि आपने SAR को स्पेसिफिकली मेंशन किया। मैंने ये कहा था गवर्नमेंट विल एट द अप्रोप्रिएट टाइम टेक अ कॉल ऑन व्हेन दिस एविडेंस इज टू बी रिलीज्ड, बट उसके पहले ही बिफोर आवर रिलीजिंग द एविडेंस ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से ये आना शुरू हो गया है। देखिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी पे, उस समय पाकिस्तान ने कहा तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कह दिया कुछ नहीं हुआ, उसके बाद एविडेंस वो क्या देते। इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने कहा कि नहीं वो रात थी, उनके जहाज आए पर जब हमारे जहाज उड़े तो ये लोग भाग गए, तो हम चुप रहे। ये जो एविडेंस जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है पाकिस्तान की तरफ से आया, और मैंने आपको ये भी कहा जब मौका अप्रोप्रिएट होगा हम इस एविडेंस को रिलीज करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भारत को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रहा है, पाकिस्तान भी ये अच्छे से जानता है कि अब भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा और मौजूदा भारत सरकार कभी भी कोई भी कठोर फैसला ले सकती है। पाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स को आगाह करते हुए कहा कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है और हमें पहले से ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है।